अनुसार बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ कि अम्बार दमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए लखनऊ उत्तर प्रदेश से कीर्ति वर्मा जी का, फिर भोपाल मध्य प्रदेश से हैं प्रियंका मिश्रा जी, दिल्ली से हैं सतीश वर्मा जी, मुजफ्फरपुर बिहार से संदीप सनी, बेंगलुरु कर्नाटक से अपूर्व एल शेट्टी, बीकानेर राजस्थान से ममता पारेख जी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से कनक गुप्ता, बेंगलुरु कर्नाटक से षणमुगन कुमार, हाजीपुर उत्तर प्रदेश से उस्मान खान और अंत में उदयपुर राजस्थान से मानसी मेघवाल। तालियां बजती रहें इनके लिए एक बार फिर जोरदार। तो जैसा कि आप जानते हैं देवेंद्र सज्जनों, इन सभी को हमारे कंप्यूटर जी ने सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले लॉन्ग के लीडर बोर्ड से चुना है और इन सबको एक बार फिर हम बधाई देते हैं। ये एक दिन होता है जब प्ले लॉन्ग के लिए एक मौका मिलता है कि आप उस हॉट सीट पर आ सके, बहुत ध्यान से खेलिएगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, वहां पर आएगा फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन लेखकों को उनके जन्म के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज ऑथर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए आर के नारायण, बी विलियम शेक्सपियर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जे के रॉलिंग। आर के नारायण, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, जे के रॉलिंग। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी विलियम शेक्सपियर, उसके बाद सी रविंद्रनाथ टैगोर, फिर ए आर के नारायण और अंत में डी जे के रॉलिंग। ये है सही क्रम, बी सी ए डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया इसी क्रम में। एक दो तीन चार, केवल पांच लोगों ने। ओहो, और सबसे कम समय किसका लगा? अरे वाह, कीर्ति वर्मा जी। आइए, तो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश से कीर्ति वर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद और प्रणाम। और आपका हसमुख चेहरा देख करके हम बहुत खुश हुए। जब आपको पता चला कि प्ले लॉन्ग में आपका नाम जो है वो चुन लिया गया है तो कैसा लगा आपको? मेरी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, बस कुकिंग में खाना बना रही थी और बस मैंने ऐसे गैस बंद की और फिर मैंने ऐसे 15 मिनट दीवार को देखा कि मतलब ये हो गया है मेरे साथ। जी जी। फिर मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया, मैंने मम्मी को बताया, वहाँ पे सब लोग चीखे चिल्लाए, मैं दिल्ली में हूँ, वो लखनऊ में है। बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में लाए हैं आप किसी को? जी जी, मेरी मम्मी आई हुई है, माता जी आई है। प्रणाम करता हूँ आपको और तालियां बज जाए इनके लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। Let's play, कौन बनेगा करोड़पति। कीर्ति जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। और आप इसी तरह अपने जीवन भर में मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। पहला प्रश्न रेडी? पहला प्रश्न, ₹1,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें जिसका अर्थ है किसी के आदेशों का पालन करना, इशारों पे डैश। Complete this common Hindi phrase, which means to follow someone's commands, इशारों पे डैश। ए खाना, बी नाचना, सी सोना या डी नहाना। खाना, नाचना, सोना, नहाना। सर बी नाचना। बी नाचना क्या करें? लॉक किया जाए, नाचा जाए, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, इशारों पे नाचना। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, ₹2,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पनीर दो प्याजा व्यंजन में प्याजा किस चीज को दर्शाता है? इन द डिश पनीर दो प्याजा, व्हाट डज प्याजा रिफर टू? ऑप्शन सुनिए, ए ए वेजिटेबल, बी अ मिल्क प्रोडक्ट, सी अ सिटी या डी एन एनिमल। एक सब्जी, एक दुग्ध उत्पाद, सी एक शहर या डी एक जानवर। सर ए एक सब्जी। एक सब्जी जी। श्योर है? जी सर।
पनीर दो प्याजा एक सब्जी ए पे कह रहे हैं, ताला लगाएं? ताला लगाया जाए। बिल्कुल ताला लगा दिया जाए ए पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आगे चलते हैं कीर्ति जी, चौथा प्रश्न आ गया है, 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और वो चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने, कविताओं में फाइव डाइव और एयर शेयर जैसे शब्दों की जोड़ी को इनमें से क्या कहते हैं? इन पोइट्री विच यू दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स वर्ड पेयर्स लाइक फाइव डाइव एंड हेयर शेयर। और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ऑपोजिट्स, बी सिनोनिम्स, सी क्रॉसवर्ड्स, डी राइमिंग। फाइव डाइव विपरीत है, पर्यायवाची है, वर्ग पहेली है या तुकाम से? सर डी राइमिंग। डी राइमिंग जी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं कीर्ति जी, सही जवाब दिया है आपने। वाह, हमारे ज्ञाननाथ जी है वो भी कम नहीं है कुछ। बताएं क्या बोल रहे हैं? प्लीज बताइए। बोल रहे हैं इस सवाल का दिया है आपने सही जवाब, इस सवाल का आपने दिया है सही जवाब, ऐसे ही बनेंगे आप 7 करोड़ के नवाब। कीर्ति जी जो है ये 4 प्रश्नों का सही उत्तर इन्होंने दे दिया है और अब आएगा इनके सामने 5वां प्रश्न 10,000 का। रेडी कीर्ति जी? जी सर। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर गिरा। चित्र में दिखाए गए, ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। चित्र में दिखाए गए आसन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द आसन शोन इन द इमेज कॉल्ड? चित्र दिखाया जाए, देख लिया जी। और ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर, ए पद्मासन, बी शीर्षासन, सी शवासन या डी मयूरासन। सर ए पद्मासन। ए पद्मासन जी। क्या करें? लॉक कर दें सर। ए पे ताला लग जाए। बिल्कुल सही जवाब है ये। वाह, अब आगे चलते हैं कीर्ति जी, 6ठा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 20,000। तैयार हो जाइए, 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2 के घन के बराबर होता है? विच ऑफ दीज इज सेम एज द क्यूब ऑफ 2? ऑप्शन सुनिए, ए हाफ ऑफ 18, बी स्क्वायर ऑफ 4, सी डबल ऑफ 16 या डी स्क्वायर रूट ऑफ 64। 18 का आधा, 4 का वर्ग, 16 का 2 गुना या 64 का या 64 का वर्गमूल। मेरी मैथ बहुत ज्यादा वीक है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा वीक है सर। लाइफलाइन ले लीजिए अगर आपको सही ना लगे। जी सर लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए। हाँ। बाधुमती जी, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस रोल। ओके, ऑडियंस रोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, जितने मैथमेटिशियन हैं आपके लिए एक समय आ गया है और आपका समय शुरू होता है अब। स्क्वायर रूट ऑफ 64 को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 58%। ए बी और सी को मिला है 18, 6 और 18। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। किसको? डी को। डी को। डी स्क्वायर रूट ऑफ 64 कह रहे हैं, 64 यानी कि 64 का वर्गमूल। ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह वाह वाह। तो क्यूब ऑफ 2 8 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है 8। ओके, है कि नहीं? सर मेरी मैथ बहुत वीक। नहीं, मेरी भी बहुत खराब है। ये तो ये ज्ञाननाथ जी हमको बोल रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि कितने पढ़े लिखे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। अरे खुद नहीं मालूम था। ऑलराइट कीर्ति जी, 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया है, आगे चलते हैं, 1 लाइफलाइन चली गई है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी टीम 2023 एक दिवसीय विश्व कप के
सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी. विच ऑफ दीज टीम्स डिड नॉट मेक इट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप. ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. ए साउथ अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी इंडिया, डी ऑस्ट्रेलिया. दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया. पता नहीं आप देखती हैं कि नहीं. नहीं देखती? नहीं सर. कहीं देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो? सर मुझे इंग्लैंड लग तो रहा है. ओके, क्या करना चाहेंगे? आई एम नॉट श्योर, इसलिए एक और लाइफ लाइन. एक और लेंगे? शांत हो जाइए. दो बची हैं, कौन सी लीजिएगा? फोन अ फ्रेंड. फोन अ फ्रेंड? फोन अ फ्रेंड नहीं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड. जी सॉरी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड. वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. आपने तीन नाम दिए थे कीर्ति जी, ये हैं वो तीन नाम. देखिए, अनुज भारती जी हैं, शुभम वर्मा है, दिव्यांशु सिंह है. किनसे बात कीजिएगा? सर दिव्यांशु सिंह जी को फोन लगा. दिव्यांशु सिंह, ओके. कंप्यूटर महाशय दिव्यांशु सिंह जी को कॉल लगाया जाए. दिव्यांशु जी प्रणाम करता हूँ आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर. ठीक है कि बढ़िया है? बढ़िया है सर, बढ़िया. ऑलराइट. आपकी बहन कीर्ति वर्मा जी आज हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई है और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है. ठीक है, तो एक प्रश्न पढ़ेंगी वो, उसके चार विकल्प हैं ए बी सी डी और 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा. तैयार हो जाइए. तो अगली आवाज है कीर्ति जी की और कीर्ति जी आपका समय शुरू होता है अब. भैया, विच ऑफ दीज टीम्स डिड नॉट मेक इट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप. ऑप्शन बोलिए. ऑप्शंस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया. Which of these teams did not make it to the semi-finals of the 2023? England. B England. Pakka? B England. Pakka. Pakka. Pakka? 100%. Pakka. Sure. 100%. 100%. 100%. Okay. Did not make it to the semi-finals, right? Okay. Yes. Did not. England. Thank you, sir. क्या करें? लॉक कीजिए बी इंग्लैंड को. बी इंग्लैंड पे ताला लगा दिया जाए. बी इंग्लैंड पे ताला लगा दिया जाए. इंग्लैंड पे ताला लगा दिया जाए. तीन बार बोल रहे हैं क्योंकि तीन बार आपने पूछा उनसे. शोर है कि नहीं है? बिल्कुल सही जवाब दिया है. उनको धन्यवाद दीजिए भाई साहब को. भाई है आपके, इसका ये मतलब नहीं कि उनको धन्यवाद ना मिले. भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. ऑलराइट, कीर्ति जी इंग्लैंड जो था वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, बाकी तीन टीमें जो हैं सब पहुंच गई. ऑलराइट, आ गया है आठवां प्रश्न. मिलेंगे इसके लिए 80,000 रुपए. आठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने. इनमें से क्या मानव शरीर में वर्टिब्रे के एक भाग को दिया गया नाम नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेम given to a section of vertebrae in the human body. Ye rahe options aapke samne. A thoracic, B lumbar, C cardiac ya D cervical. Vertebrae ke ek bhag ko diya gaya, naam nahi diya gaya. Sir, I think iska answer option C cardiac hona chahiye. Alright, kya kare? Lock kar dein C cardiac. C cardiac pe keh rahe hain thala laga diya jaye. Bilkul sahi uttar diya aapne. Wah, well done. आठ प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. पांच मुख्य भाग होते हैं सर्वाइकल या कि गर्दन, थोरेसिक छाती, लंबार एब्डोमेन, सैक्रल हिप्स और यह कॉकेट्स या जैसे कि टेल बोन कहते हैं, ये वर्टिब्रे के साथ होते हैं. कार्डियक नहीं होता है. बिल्कुल सही जवाब दिया. अब आएगा नौवां प्रश्न आपके सामने. कीर्ति जी बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं आप. ये हो गया है 1,60,000 का प्रश्न. नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. महाभारत के अनुसार कर्ण ने अपने पैर में कीड़े के काटने का दर्द सहा
ताकि किसकी नींद खराब ना हो। अकॉर्डिंग टू द महाभारत, कर्ण साइलेंटली बोर द पेन ऑफ एन इंसेक्ट बाइटिंग हिज लेग सो एज नॉट टू डिस्टर्ब हूज स्लीप। ऑप्शंस ए द्रोणाचार्य, बी भीष्म, सी दुर्योधन या डी लॉर्ड परशुराम। द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन या भगवान परशुराम। सर इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड परशुराम। डी लॉर्ड परशुराम, भगवान परशुराम कह रहे हैं। डी, डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने, बधाई। गोल्डन कीर्ति जी, कहानी ये है, हमारे ज्ञाना जी बता रहे हैं कि कर्ण के गुरु जो थे भगवान परशुराम, उनकी गोद में सो रहे थे। तभी कर्ण को एक कीड़े ने काट लिया। हालांकि कर्ण चुपचाप दर्द सहते रहे ताकि उनके गुरु जाग न जाए। जब भगवान परशुराम ने यह देखा तो उन्हें पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है और उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तभी वो अपनी विद्या भूल जाए। ऑलराइट कीर्ति जी, 9 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, और यहां पर हम बार बार आकर के एक चेतावनी देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न, 3,20,000 का, एक ही लाइफलाइन बची है डबल टी की, बहुत सोच समझ करके इसका उपयोग कीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस देश की राजधानी के नाम में एक अलग देश का नाम है? द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज द नेम ऑफ अनदर कंट्री इन इट। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए गियाना, बी एंटीगा एंड बारबुडा, सी ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, डी जमैका। ए गियाना, बी एंटीगा एंड बारबुडा, सी ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, डी जमैका। इनकी जो कैपिटल है, किस देश की राजधानी के नाम में एक अलग देश का नाम है? सही, मुझे नहीं आता। नहीं आता? नहीं। लाइफलाइन है आपके पास, जल्दी बोलिए, करें। नहीं सर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है, क्या करेंगे सर? क्विट। क्विट करेंगे, शांत हो जाइए बाधुमति जी, आगे नहीं खेलना चाहती हैं और डबल डिप नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि वो लेने के बाद भी शायद आपको लगता है कि आप सही नहीं होंगे। ऑलराइट, तो ये आपका अंतिम निर्णय है, आप क्विट करेंगे। 1,60,000 जीत रहे हैं, तालियां बज जाएं के लिए। ये हमारे पास एक ऐप है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000, 1,60,000 भर दिया, ओके किया, कन्फर्म किया, और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 1,60,000, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अब इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सी, सी ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, सी पे ताल लगा जाए। अरे खेलते तो ये सही होता। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो का कैपिटल का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन, सुना होगा आप लोगों ने नाम। ये एक स्पेनिश कॉलोनी थी, पोर्ट ऑफ स्पेन इसका कैपिटल का नाम था, स्पेन उसमें अलग देश का नाम आ गया, क्योंकि एक स्पेनिश कॉलोनी थी इसलिए उसको पोर्ट ऑफ स्पेन कहते थे। कोई बात नहीं, तो आपको बहुत बहुत बधाई कीर्ति जी, और तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कम दिस वे, अब इनके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, और हमारे कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा और सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी, फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न आएगा वहां पर, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वाहनों को उनकी अधिकतम दर्ज गति के अनुसार एक घटते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज व्हीकल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम रिकॉर्डेड स्पीड। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अंतरिक्ष शटल, बी मोटरसाइकिल, सी साइकिल या डी जेट विमान। ए स्पेस शटल, बी मोटरबाइक, सी बाइसिकल या डी जेट प्लेन। समय हो गया समाप्त, आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए अंतरिक्ष शटल,
फिर आता है डी जेट विमान, फिर आता है बी मोटरसाइकिल, और फिर अंत में है सी साइकिल। यह है सही क्रम ए डी बी सी। अब देते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय किसका लगा? कनक गुप्ता। आइए मिराज जी। मैं बात करना चाहती हूँ। वो अलाउड नहीं है। नहीं सर। अच्छा ऐसे ऐसे बात दूर से। आइए बैठिए। ताली बजा जोरदार कनक जी के लिए। और कनक जी, तो रूल्स तो आपको पता ही है, केवल तीन जो लाइफलाइन है उसके बारे में बता दें। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड्स, तीसरी है डबल डिप। तो चलिए शुरू करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इस मेकअप उपकरण का उपयोग शरीर के किस भाग पर किया जाता है? Which part of the body is this makeup apparatus used on? एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, ये देखिए तस्वीर। वाह, देख लिया? ऑप्शन डालें कि ना डालें? हाँ सर डालें। आपके सामने ऑप्शन ये हैं। ए है आईज, बी है नेल्स, सी ईयर्स, डी लिप्स। आंख, नाखून, कान या होंठ? सर डी लिप्स को लॉक किया जाए। डी लिप्स पे ताला लगा दिया जाए। भगवान न करे कि कभी भी लिप्स पे ताला लगे। लेकिन ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सर केबीसी ने मेकअप भी दिया। हाँ मेकअप भी दिया आपको? सर तो कभी मेकअप नहीं करती हूँ मैं। बट अच्छा? पहली बार मेकअप केबीसी के लिए बहुत स्पेशल था वो। अभी आपने मेकअप किया है कि साधारण है? मेकअप है। नहीं नहीं जाइए, ऐसा ही बोल रहे हैं। सर अभी किया है मेकअप, किया है, बिल्कुल लग नहीं रहा। बल्कि हम बोलने वाले थे कि आपकी त्वचा जो है बहुत सुंदर है, अच्छी खासी दिख रही है, इस पे मेकअप कैसे लग सकता है? थैंक यू सर। अच्छा तो मम्मा बोलती है ना, सिंपल जो रहता है वो बिल्कुल अच्छा होता है। हाँ सिंपल रहना, ब्यूटी लाइज इन द सिंपलिसिटी। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो बिल्कुल सिंपल रहती हूँ मैं इसीलिए। वाह क्या बात है, हमें देखिए हमारे इतना चूना पोत दिया है चेहरे पर कि बताया नहीं कि भाई एक घंटा लगेगा उसको लगाने में, डेढ़ घंटा लगेगा उतारने में। बड़ी मुसीबत होती है यार, पर हमारा व्यवसाय ऐसा है, अभी क्या किया जाए, है कि नहीं सर? और ये जो डिपार्टमेंट है ना, कैमरा डिपार्टमेंट, इधर ये 12-13 लगे हुए हैं। कोई ना कोई भेजेगा एक उधर, अरे साहब का ये जो कान के पास है उसको थोड़ा ठीक करो, इस गाल पे थोड़ा सा लाली और दो, ऐसे होठ को थोड़ा और काला करो, ये करो, ऐसे सब आता रहता है उनका। मेकअप वाले हैं कहाँ गए अभी? सर, चले आपको मेकअप की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। कहने वाली बात है, अभी ये पूरा डिपार्टमेंट खुल गया है मेकअप का डिपार्टमेंट। 10-12 लोग आते हैं, कोई बाल ठीक करेगा, कोई ये करेगा, कोई बॉय बनाएगा, कोई वोट करेगा, कोई नाक करेगा, अलग अलग लोग हैं वो सब करते हैं। हमारे जमाने में सब नहीं था। और ऋषिदा की पिक्चर में तो खास तौर से जमाना अब भी है। नहीं नहीं कुछ सर, आपका जमाना तो गया ही नहीं कभी। ना जाने क्यों हम ऐसी बात करते हैं। ओके कनक जी, बहुत अच्छी कहानी बताने वाले थे आपको, आपने एकदम नहीं बताएंगे। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके सामने ये रहा, इनमें से किस फिल्म में रणबीर कपूर नहीं है? विच ऑफ दीज मूवीज डज नॉट स्टार रणबीर कपूर? ऑप्शन देखिए, ए गली बॉय, बी तमाशा, सी एनिमल या डी वेक अप सीन। Does not star रणबीर कपूर। सर एक गली बॉय। एक गली बॉय पे क्या करें? लॉक किया सर। लॉक कर दिया जाए ए को। सही जवाब दिया। यह है तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। प्रश्न यह है कि आमतौर पर गुलाब के इनमें से किस भाग में पंखुड़ियां होती हैं? Usually which of these parts of a rose plant has petals? A स्टेम, बी फ्लावर, सी लीफ या डी रूट। सर बी फ्लावर। तना, फूल, पत्ता या जड़।
सर बी फ्लावर। बी फ्लावर कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए बी पे। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। सर बहुत गार्डनिंग का शौक है, बहुत शौक है इसको। मुझे भी और मम्मा को भी। बहुत सारे पौधे हैं घर में। अच्छा, आपके घर में है। ये बहुत अच्छी आदत है ये तो। हाँ सर, जब बंदर आते हैं तो बंदर। हाँ सर, मंकी। हाँ ना, बंदर समझते हैं। सर बहुत है घर के पास। हम सुबह को छत साफ करते हैं, शाम को बंदर हर गंदा कर देते हैं। बंदर आकर के फूल खा जाता है? सारे फूल कलियां सब तोड़ देते हैं, बहुत सारे पौधे खराब करते हैं। एक काम कीजिए, वो जहाँ फूल पत्ते लगाए हैं ना आपने, वहाँ पर रोज एक आध केला छोड़ दिया कीजिए। हाँ, वो बंदर जो है केला खाएगा, फूल छोड़ देगा। बता रहे हैं ऐसे। ओके सर। और जब हो जाए तो हमको आप फोन करके बताइएगा कि आपने जो सर, कहा था। नंबर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, नंबर देंगे आपको, ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं। ऑलराइट कनक जी, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए, तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। NALSAR और NLU संस्थान मुख्य रूप से इनमें से क्या पढ़ाते हैं? NALSAR एंड NLU आर ऑल इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्राइमरली टीच व्हिच ऑफ दीज। ऑप्शन सुनिए, ए इंजीनियरिंग, बी फैशन, सी लॉ या डी जर्नलिज्म। इंजीनियरिंग, फैशन, कानून या पत्रकारिता। सी लॉ। सी लॉ क्या करें? लॉक कर दिया जाए। सी पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, तो ये देश के जो प्रमुख लॉ कॉलेजेस हैं, उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। नलसर इज नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च और NLU है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सर ट्वेल्थ के बाद ना मैंने ट्राई किया था कि 5 years लॉ करूंगी। हाँ। बट कोविड आ गया, और दूसरी चीज NLU की फीस बहुत ज्यादा हाई है। हाँ। वो अफोर्डेबल नहीं थी सर, तो इसीलिए पहले ग्रेजुएशन किया मुरादाबाद से ही। उसके बाद फिर एंट्रेंस की प्रिपरेशन की CUET की। सर मैंने दो कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, DU के लिए और BHU के लिए। सर दोनों ही क्लियर हो गया, बट DU का रिजल्ट पहले आ गया तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया सर, लॉ सेंटर 1 में। आप प्रयत्न कीजिए आज यहाँ पर कि ढेर सारी धनराशि आप जीत जाए। हाँ, सर। और जहाँ आप अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं कानून के विषय को लेकर के, वो आप सफल हों उसमें, ठीक है? ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। आएगा 5वां प्रश्न, रेडी? ये है 10,000 रुपए का खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा चिकित्सा पेशेवर आमतौर पर इनेमल पर ड्रिल का उपयोग करेगा? विच ऑफ दीज मेडिकल प्रोफेशनल्स वुड यूजुअली यूज अ ड्रिल ऑन इनेमल। ऑप्शन सुनिए, ए डेंटिस्ट, बी साइकियाट्रिस्ट, सी कार्डियोलॉजिस्ट या डी रेडियोलॉजिस्ट। दंत चिकित्सक, मनोचिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ या रेडियोलॉजिस्ट। सर ए डेंटिस्ट को लॉक किया। डेंटिस्ट, ए डेंटिस्ट कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। दंत चिकित्सक, बिल्कुल सही जवाब दिया है। डेंटिस्ट को अक्सर संक्रमित दांतों को खोलना करने या खोखला करने के लिए, भराई को चमकाने के लिए और विशेष रूप से निर्मित डेंटल ड्रिल्स होती हैं और उनका उपयोग करना पड़ता है उन्हें। और पता नहीं आपने कभी आपका पाला पढ़ा है ना? हाँ सब। अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इतना भयंकर आवाज होती है उसकी। और एक तो आपको लिटा देंगे उस कुर्सी पे और बोलेंगे आप कंफर्टेबल हैं? अबे कहाँ कंफर्टेबल भैया, ऊपर से बोलते हैं मुंह खोलो, और खोलने के बाद एक ऐसा यंत्र लगा सकते हैं, हाथ देते हैं ऐसा, क्योंकि बंद ही नहीं होता आपका मुंह। ऐसे बोलना पड़ता है, नहीं तो सुनाई नहीं देता उनको कुछ। अब बोल तो सकते नहीं कि भैया दर्द हो रहा है, तो बोलते रहिए गा, तो वो होता है। अब क्या बताएं, इसके ऊपर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। हमको सब याद आ रहा है कि जब हमारा खुदाई की थी उन्होंने तो क्या हुआ था उसमें। तो आप सब भाई सब ठीक ठाक हैं? हाँ सर। आपके दांत तो बहुत सुंदर लग रहे हैं सर। एक एक्स्ट्रा भी है मेरे पास। मतलब अब दिख रहा है? हाँ सर, ये एक्स्ट्रा है, इसको इसीलिए नहीं निकलवाया, डेंटिस्ट के पास जाने ही नहीं, अच्छा लगता है मुझे। ये अपने आप आया है कि लगवाया गया है? नहीं सर, अपने आप आया है। ये यदि थोड़ा सा बड़ा हो गया है और इधर वाला भी एक निकल के बड़ा हो गया है तो समझ जाइए आपका नाम क्या हो जाएगा। सर मेरा भाई बुलाता है मुझे। वैम्पायर बुलाता है आपको? ड्रैकुला बुलाता है। ड्रैकुला बुलाता है।
नहीं नहीं ऐसी संभावना नहीं होगी, और छोड़ दिया जाए उसको। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मूल्य इसका 20,000 रुपए, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस नृत्य के नाम में एक अलग शास्त्रीय नृत्य का नाम है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज डांसेस हैज द नेम ऑफ अनदर क्लासिकल डांस विद इन इट। ऑप्शंस को समझिए अब। ए उड़ीसी, बी मणिपुरी, सी कुचिपुड़ी या डी कथकली। सर डी कथकली। डी कथकली। यस। श्योर है? यस सर। ताल लगा दिया जाए? यस। डी को ताल लगा जाए? ये तो सही निकला एकदम। आप कथकली में कथक नाम है, तो जो नृत्य है उसमें कथक नाम भी है। कथक यूपी का ही ओरिजिनेशन। हाँ बिल्कुल, वाह क्या बात है। आ गया सातवां प्रश्न, और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए। कनक जी तैयार हो जाइए, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? श्री रेवंत रेड्डी हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, ई आंध्र प्रदेश। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बाधुमति जी, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। वाह 80% मिला है बी को, तेलंगाना को। क्या कीजिएगा? जनता के साथ जाएंगे। यस सर। ऑलराइट बोलिए क्या करें। बी तेलंगाना लॉक किया जाए। बी तेलंगाना पे कह रही है ताला लगाया जाए। यस वेल प्लेड ऑडियंस। विधानसभा चुनावों के बाद 2023 में तेलंगाना में बदल आई है, और सरकार जो थी वो बदल गई। बदल गई। श्री रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ओके आ गया है आठवां प्रश्न, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। आठवां प्रश्न अब आएगा, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए, तैयार हो जाइए। 80,000 रुपए, आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति किस देश में शिकोकु तीर्थ यात्रा कर सकता है जो 88 बौद्ध मंदिरों को जोड़ने वाला 750 मील का मार्ग है। इन विच कंट्री कैन वन अंडरटेक द शिकोकु पिलग्रिमेज, ए 750-mile रूट दैट लिंक्स 88 बुद्धिस्ट टेम्पल्स। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीलंका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफगानिस्तान। श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या डी अफगानिस्तान। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बाधुमति जी, कनक जी एक और लाइफलाइन लेंगी, दो बची हुई हैं, बताइए कौन सी। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। तीन नाम दिए थे आपने जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो नाम। कंदर्प राय है, अनुज अग्रवाल है और कविता कपूर। सकंदर राय। राइट, कंदर्प राय जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है, मित्र है, आपके चाचा हैं। अंकल। कंदर्प जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सदी के महानायक। अरे भाई साहब, आज आपको देखते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये खिताब मत लगाया कीजिए। धन्य हो गया। नमस्कार। इन किताब को हम, इसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं इन किताबों में, और बस एक नाम है हमारा, वो ही आपने ले लिया, बस बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। कंदर्प जी हमारे सामने कनक बैठी हैं, और ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। अपनी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके चार विकल्प हैं ए बी सी डी, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है?
तैयार हो जाइए, अगली आवाज कनक जी की। कनक, आपका समय शुरू होता है अब। In which country can one undertake the Shikoku pilgrimage, a 750 mile route that links 88 Buddhist temples? In which country can one undertake the Shikoku pilgrimage, a 750 mile route that links 88 Buddhist temples? Sri Lanka, Japan, Australia, Afghanistan. देखिए, इसमें ऑप्शन ए या बी में से होना चाहिए इन ऑल प्रोबेबिलिटी। सी और डी तो डेफिनेटली नहीं है, ए या बी होना चाहिए। जैसा कि नाम है, आई विल गो विद बी। मोस्ट प्रोबेबली बी आंसर होना चाहिए। ओके, यू कैन गो अहेड विद दैट। ओके, क्या करना चाहिए? निकाह मोस्ट प्रोबेबली बी। बी जापान को लॉक कर दीजिए। चलिए, जापान कह रहे हैं बी पे, जो कि इनके अंकल ने कहा था, चाचा ने कहा था। चाचा है कि मामा है? अच्छा, अंकल है। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, बी पे था लगा जाए। अंकल जी सही थे। बहुत बहुत बधाई आपको, उनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही राय दिया इन्होंने। जापान इज द राइट आंसर। शिकोकु जापान के चार मुख्य द्वीपों में से सबसे छोटा है। तीर्थयात्रा मार्ग पर सभी 88 मंदिर एक प्रसिद्ध भिक्षु कुकाई से जुड़े होने का दावा करते हैं, और जिन्होंने 9वीं शताब्दी में चीन से लौटने के बाद बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्यालयों में से एक की स्थापना की थी उन्होंने। ओके, ऋषा माता जी, ऋषा जी, ऋषा गुप्ता जी, क्षमा चाहता हूं। 23 साल लग गए जी सर, जो सपना पूरा हो रहा है आपकी बेटी की वजह से। बिल्कुल सर। 80,000 इन्होंने जीत लिया है। सर, मैं तो 7 करोड़ जीत चुकी हूँ। सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई तत्व नहीं है। इसको मैंने आने से पहले ही बोला था, हॉट सीट पे आ गई, 7 करोड़ पूरे, उसके बाद नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब क्या? अगर उनके पास आपसे मिल लिए, आपके मुंह से अपना नाम सुन लिया, 7 करोड़ मिल गए मुझे। सपना जब देखा था तो मैं इस उम्र में थी। हाँ, वही मैं कहने वाला था कि अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बता दिया कि हमारी उम्र कितनी हो गई है। लेकिन ये नहीं कोई, लेकिन आपको, आपकी पुत्री जो है वो आज यहाँ बैठी है, आपकी मनोकामना थी वो पूरी हो गई, तो अब आपके मन में क्या चल रहा है? मैं वहाँ आपके पास आना चाहती हूँ, बिल्कुल पास से देखना चाहती हूँ। हमने इनको कहा था कि हम फोन नंबर दे देंगे, बताएंगे हमको कि बंदर आया कि नहीं आया, तो उस विषय में कभी चर्चा होगी तो आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, है कि नहीं? तो सारा काम छोड़कर आएंगे। खेलने आप आई हैं, बातचीत हमारी माता जी के साथ हो रहा है। सर, उनसे करिए, उनका सपना जी रही है। केवल आपका सपना ही नहीं पूरा हुआ है, बहुत अच्छा खेल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी धनराशि लेकर के जाए। अगला प्रश्न जो है वो लाखों में बात शुरू हो गई है। 9वां प्रश्न, 1,60,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिसंबर 2023 में भारत के पूर्वी तट से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या था? What is the name of the cyclone that affected the eastern coast of India in December 2023? और आपके ऑप्शन हैं ये, मिथिली, बी बिपार जॉय, सी मिचोंग या डी तेज। मन में अगर दो हो तो आप डबल डिप ले सकते हैं, क्योंकि वही एक लाइफलाइन बची, लेकिन सही होने चाहिए वो दो, वरना एक बार लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाए। अगर आप चाहें तो अभी भी क्विट कर सकती हैं। आगे न सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए मधुमति जी, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं कनक जी, पहला उत्तर बताइए। सब बी बिपर जॉय। बी बिपर जॉय, इतना लगा जाए, ये गलत है। सर, टाइमर स्टार्ट हो रहा है, जल्दी बोलिए, किसी एक को बोलिए जल्दी से।
सी मिचोंग पे ताला लगाया जाए। अखबार वगैरह पढ़ती हैं कि नहीं आप? हाँ सर, कभी कभी। हैं? सर टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता तो क्या पढ़ती हैं फिर आप? बस अभी कोर्स चल रहा है एलएलबी का। सर लास्ट ईयर आप बुलाते तो मेरा पूरा करंट अफेयर्स टिप्स पे था, प्रिपरेशन की वजह से एंट्रेंस की। सर आप लेट बुलाते। 1,60,000 जीत गए यार। मिचोंग बिल्कुल सही उत्तर, ये नाम म्यांमार ने दिया था। हाँ सर, मैंने ये पढ़ा था कि जो सारी कंट्रीज होती हैं वो कुछ नेम्स देती हैं कि आगे आने वाला साइक्लोन क्या है। अब जैसे बे ऑफ बंगाल में था ये साइक्लोन, तो जो आसपास के जो देश होते हैं ना उनकी बारी आती है कि आप एक नाम दीजिए, तो ये नाम म्यांमार से निकला था। उन्होंने दिया था मिचोंग। इस चक्रवात से भारत के दक्षिणी और पूर्वी भागों में काफी बाढ़ आई और काफी बर्बादी भी हुई। ओके, इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है, बधाई आपको देते हैं। और अब एक सूचना है आपके लिए, वो ये कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है, लेकिन आपका जो ज्ञान है उसी के ऊपर निर्भर है। और मेरा ऐसा मानना है कि यू कैन बेट ऑन इट, आपका जो ज्ञान है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, इस मौके पर चांस मत लीजिएगा क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक चेतावनी देते हैं प्रत्येक कंटेस्टेंट के लिए। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, कोई लाइफलाइन नहीं बची। 10वां प्रश्न आ रहा है 3,20,000 का। यदि आपको सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, वरना आप क्विट कर सकती हैं और आप 1,60,000 रुपए जीत रहे हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब भारत यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश था तो वहां पर इनमें से किसका शासन नहीं था? Who among these was not the ruler of the United Kingdom when India was its colony? समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जॉर्ज द सिक्स्थ, बी विक्टोरिया, सी जॉर्ज द फिफ्थ, या डी एलिजाबेथ द सेकेंड। उस समय कौन इनमें से रूलर नहीं था? बोलिए, 15 सेकंड रह गए, क्या करना चाहिए? सर डी लॉक कीजिए। डी को लॉक करें, और डी एलिजाबेथ सेकेंड पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं, बहुत ही दबे स्वर में बोल रही हैं। जीत गई हैं आप। थैंक यू सर। एलिजाबेथ सेकेंड को 1952 में ताज पहनाया गया था, जब भारत जो था वो आजाद हो चुका था, है कि नहीं? कितने दबे स्वर में बोले चले जा रहे हैं आप। कोई बात नहीं, जो भी चल रहा है सही। बहुत है ना। ओके, ऑलराइट। अब आपके नाम पर जो चेक था 3,20,000 का वो आ गया, ये देखिए। ये शायद आपकी पहली कमाई है, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, तो ये अब आपके लिए संकेत है कि हमारा जो खेल है अब सुपर संदूक, जो कि बदलाव आया है इस खेल में, वो अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। सुपर संदूक में क्या होता है आपको पता ही है। अंग्रेजी में पढ़ूं हिंदी में? सर इंग्लिश। अंग्रेजी, ठीक। तो तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। कंप्यूटर मार्च है। ऑलराइट करण गुप्ता जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। डोबरमैन पिंशनर इज अ ब्रीड ऑफ व्हिच एनिमल? कैट, हॉर्स, फिश, डॉग? सर डॉग। करेक्ट। नेक्स्ट, pneumonia is an infection of which part of the human body? Heart, lungs, brain, liver? Liver. Wrong. Next, how many zeros added to 1,000,000 makes it 1,000,000,000? 1, 2, 3, 4. 2. Wrong. Which of these cricketers played for New Zealand? Ricky Ponting, Chris Gayle, Andrew Strauss, Stephen Fleming? Andrew Strauss. Wrong. Next, which of these only stops the sound and not the video? Mute, pause, stop, close? Not the video.
Mute. Correct. Next. Seven of what kind of creatures did Snow White live with? Dwarf. Elves. Correct. Next. Which of these is not an element? Hydrogen, carbon, oxygen, brass. Brass. Correct. Next. Soccer is another name for which sport? Basketball, football. Volleyball, football. Correct. Next. The name of which mountain range in central India means seven folds? Vindhya. Satpura. Haji? Vindhya. Is wrong. Which of these is equal to around 2.47 acres? One erg, one cent, one hectare, one square meter? One hectare. Correct. Hey, Bhagwan. इतनी धीमी आवाज में आप बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है आपने सही बोला कि नहीं। छह प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया इन्होंने। ऑलराइट, 60,000 रुपए जीत लिए आपने। सर अब आपके साथ लंच करने का तो चांस गया। हाँ कोई बात नहीं। सर जूस पी सकते हैं? हाँ फिर से आएगा कभी अवसर। अब तो फोन नंबर आपको देना है। हाँ सर। बंदर के सर, बारे में पता? आप नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं, पक्का दीजिएगा? हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। क्या है सर, मैं लॉ पढ़ रही हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखवाऊंगी। ओहो, ये पीढ़ी जो है देवी जी, क्या बताएं आप, अद्भुत है पीढ़ी। अब आपको बता दें कि आपने क्योंकि 5 प्रश्नों से ज्यादा उत्तर दिए हैं ये सुपर संदूक में 60,000, तो या तो ये 60,000 बैंक में जाएंगे या आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित कर सकते। सर लाइफलाइन। अच्छा, तीनों गई हुई है, कौन सी लाइफलाइन? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को ये जीवित करवाना चाहती, इसको जीवित कर दिया जाए। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, ये है 6,40,000 रुपए का। बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन होता है। मान लीजिए गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर कनक जी, ये रहा। ।2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक्स में पहली बार एक प्रतियोगिता के रूप में खेला जाएगा? 2028 की 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। विच ऑफ दी स्पोर्ट्स विल मेक इट्स कंपेटिटिव डेब्यू इन द ओलंपिक्स इन 2028 एट लॉस एंजलिस? ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए डार्ट्स, बी क्रिकेट, सी स्क्वाश, डी पोलो। डार्ट्स, क्रिकेट, स्क्वाश, पोलो। ।2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में पहली बार एक प्रतियोगिता के रूप में खेला जाएगा? क्रिकेट लग रहा है मुझे, बट श्योर नहीं। क्रिकेट लग रहा है सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। ओके, आपकी जो बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे वो फिर से आपके सामने प्रकट होंगे। कंदर्प राय जी हैं, अनुज अग्रवाल हैं, कविता कपूर जी हैं। सर कंदर। कंदर जी को फिर से फोन लगाया जाए। और राइट, शाबाश, कंदर्प राय को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंदर्प जी, एक बार फिर आपसे मिलने का अवसर मिल रहा है। सुनाई दे रहा है कि नहीं? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। नमस्कार। एक बार फिर अवसर मिल गया है। इन्होंने सुपर संदूक खेला और 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिया, तो इन्होंने अपनी जो खोई हुई लाइफलाइन थी उसको फिर से जीवित किया और चुना आपको एक बार फिर। तो इनकी मदद कीजिए एक बार। अगली आवाज कनक की। कनक, आपका समय शुरू होता है अब। विच ऑफ दी स्पोर्ट्स विल मेक इट्स कॉम्पिटिटिव डेब्यू इन द ओलंपिक्स इन 2028 एट लॉस एंजलिस? कॉम्पिटिटिव डेब्यू इन द ओलंपिक्स इन 2028 एट लॉस एंजलिस। डार्ट्स, क्रिकेट, स्क्वैश, पोलो। बी क्रिकेट। सर बी क्रिकेट को लॉक कीजिए। क्या कीजिएगा? लॉक कीजिए। बी क्रिकेट पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड। नो स्टॉप। हमने सोचा कि ये सही है। इट इज एक्चुअली स्क्वाश। ओ गॉश,
लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में स्क्वाश 5 अतिरिक्त खेलों में से एक है जिन्हें आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। हमने सोचा क्रिकेट होगा, बहुत पहले शुरू हो गया था क्रिकेट, अभी 1900 में हुआ था, उसके बाद उसको निकाल दिया गया था। कनक जी, जैसे कि हमने कहा था, आप लीस्ट रिस्क पे हैं, कुछ हारेंगे नहीं, 320 आपने जीता है और 320 आपको मिलते हैं। ये 320 आपको अब हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे, तालियां बन जाए इनके लिए। यहाँ आपका नाम आ गया कनक गुप्ता, अकाउंट नंबर आ गया 3,01,234,320 हो गया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये 3,20,000 रुपये आपकी पहली कमाई, 3,20,000 रुपये की आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गई है, बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, आज तो समय समाप्त हो गया, हुटर बज गया है, अनेक अनेक बधाई हम आपको देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से जब बंदरवा आता है ना वो निकल जाए आपके जीवन में से, हम यही कामना करेंगे। बिग हैंड फॉर कनक, थैंक यू। इधर इधर इधर।